नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे YIM रसलेश। हिंदी में मैं क्यों तर्कवादी हूँ या युक्तिवादी हूँ। आज भी हमारे समाज में, देश में, इस विज्ञान के युग में भी लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं, चमत्कारी घटनाओं में विश्वास करते हैं और इसी कारण लोग पहुंच जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास। ये है काले कंबल वाले बाबा, जो बाबा सिर्फ छूकर, स्पर्श कर आपके शरीर में जो बीमारी है उसे दूर कर देंगे, आपको स्वस्थ कर देंगे। काले कंबल वाले बाबा कि लोग विश्वास करते हैं कि इनके पास चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, दैवी शक्ति है, तंत्र साधना की शक्ति है। और ये बाबा, ये तांत्रिक या ज्योतिषी या चमत्कारी कोई गुरु चमत्कार से आपके जीवन का कोई भी समस्या, किसी भी समस्या का समाधान कर देगा। आपको अगर कोई गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी हुआ है और बीमारी से आप उब चुके हैं, जान जाने वाली है, तो ऐसे में अगर आप अंधविश्वासी हैं, अगर आपको साइंस या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विश्वास नहीं है, तो आप दौड़े चले जाते हैं किसी बाबा के पास, तांत्रिक के पास, किसी ज्योतिषी के पास। काले कंबल वाले बाबा का इलाज करने का तरीका देख आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या इस तरह से किसी भी बीमारी का इलाज संभव है? इस उम्मीद के साथ कि शायद बाबा कोई चमत्कार कर दे, कोई माता जी, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी अपने तंत्र साधना, ज्योतिष ज्ञान, तांत्रिक विद्या, अलौकिक या चमत्कारी शक्ति के द्वारा आपके जीवन में जो समस्या है, आप जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उस बीमारी से दूर कर देंगे, आपको स्वस्थ कर देंगे। पता नहीं यह कौन सा चमत्कारी चिकित्सा विज्ञान बाबा ने अर्जित की है। जो चमत्कार बाबा करते हैं और बाबा के इस चमत्कार से लोग स्वस्थ होकर भागते हैं, गिरते हैं, दौड़ते हैं। बाबा का दावा है कि उनके दौड़ाने से, उनके उठा पटक से मरीज स्वस्थ होकर दौड़ने लगता है। बाबा कंबल वाले बाबा का चमत्कारी इलाज। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं। आज इस विज्ञान के युग में, आज इस 2023 साल, आज हम कदम रख चुके हैं 2023 में, आज इस विज्ञान के युग में, स्मार्ट मोबाइल के युग में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के युग में लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं। लोग यह विश्वास करते हैं कि अमुक बाबा जी, अमुक तांत्रिक, अमुक ज्योतिषी अपने तंत्र मंत्र ज्ञान के द्वारा, चमत्कारी शक्ति के द्वारा आपके जीवन का किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। समस्या में अगर आप बीमारी से ग्रस्त है, लाइलाज बीमारी, आज भी ऐसे अनेक बीमारी है जिसका सही तरह से इलाज संभव नहीं हुआ है, फिर भी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इसमें रात दिन कोशिश कर रही है कि इस बीमारी का इलाज किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करना संभव है। लेकिन एक और जहां लोग विज्ञान विश्वास करते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विश्वास करते हैं, तो दूसरी ओर अंधविश्वास में डूबे हुए लोग, आज भी यह विश्वास करते हैं, इस अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि चमत्कार होता है, चमत्कारी शक्तियाँ होती है, बाबा जी, माता जी, तांत्रिकों के पास अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति हुआ करती है। और ये बाबा जी, माता जी, तांत्रिक अपनी शक्ति के द्वारा आपके शरीर में, अगर कोई लाइलाज बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो उस बीमारी का ये बाबा जी तंत्र मंत्र, जादुई, चमत्कारी शक्ति के द्वारा इलाज कर सकता है। इसीलिए आज भी
अनेकों बाबाओं के आश्रम में, चेंबर में, शिविरों में लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि बाबा कोई चमत्कार कर देगा, बाबा अपनी दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति के द्वारा उनके बीमारी को दूर कर देगा, उन्हें स्वस्थ कर देगा। तो ऐसा ही एक बाबा चर्चित है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव देहात में। उस बाबा को शायद आप भी देखे होंगे मीडिया के माध्यम में, सोशल मीडिया में देखे होंगे या न्यूज में भी देखे होंगे। इसी बाबा के बारे में आज हम आपके सामने खुलकर चर्चा करेंगे कि वाकई में ये जो बाबा जी हैं, क्या ये बाबा जी इस तरह से किसी भी बीमारी के इलाज कर सकता है।